हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिनहुड फ्री फायर गेमर में। तो भाई लोग, हम लोग के गेम पे आ चुके हैं न्यू फेडेड विल, जिसमें हम लोग को डेंसिटी गार्डियन वाला जो एक्समेट का इवो गन है वो अपन को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यार ये हम लोग को कितना ज़्यादा डायमंड पे मिलता है। तो यहाँ और आप लोग को ट्रिक भी बताऊँगा कि आप लोग कम से कम डायमंड में इसको मैक्स लेवल कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ लेवल अपग्रेड करके दिखाऊँगा जितना अपन से हो सकेगा। तो सबसे पहले यार यहाँ पास जो अपन दो आइटम अपन को नहीं चाहिए होगा उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये और ये दोनों मतलब बेफालतू के आइटम्स हैं, तो इस दोनों को अपन यहां से रिमूव कर लेते हैं। और पहला जो स्पिन है वो फ्री का स्पिन है, और फ्री की स्पिन में अपन को तो मिलने वाला नहीं है, मेरे को 100% श्योर है। तो फ्री की स्पिन में देखते हैं अपन को क्या मिलता है। तो एक गन बॉक्स मिला है स्कार का, ठीक है। उसके बाद स्पिन जो है 9 डायमंड का है, तो 9 डायमंड का भी अपन यहाँ पर फटाक से स्पिन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कितना ज़्यादा डायमंड लगता है। मेरे पास 2500 डायमंड है, ठीक है, आप लोग देखते रहना। और यहाँ से 9 टोकन मेरे को मिल चुका है भाई ईवो एक्समेट को अपग्रेड करने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पास भाई साहब ईवो एक्समेट तो लास्ट में मिलेगा, मेरे को इतना तो पता है, ठीक है। उसके बाद सरबोर्ड एक पैरासूट भी है और एक लूट बॉक्स भी है, तो ये देखते हैं कब मिलता है। तो सेकंड लास्ट में तो लूट बॉक्स मिलेगा, ये भी मेरे को पता है। अब आ गया 69 डायमंड का स्पिन, ठीक है, तो ये भी अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोग को डायमंड रॉयल वाउचर मिला, उसके बाद जो स्पिन है वो 99 डायमंड का स्पिन है, तो ये भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पास सरबोर्ड मिला अपन को, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट स्पिन है यार 199 डायमंड का, तो इसमें अपन को मिल जाएगा, आप लोग का देख सकते हो, एक लूट बॉक्स, ठीक है। तो लाइटनिंग रिएक्टर लूट बॉक्स भाई, तो ये वाला लूट बॉक्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा है मेरे को, ठीक है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आप लोग को एक बार कलेक्शन वाले सेक्शन में जाकर दिखा दूंगा। और लास्ट जो स्पिन है यार 499 डायमंड का, मतलब 500 डायमंड का स्पिन है, तो आप लोग देख सकते हो हम लोग को डेंसिटी गार्डियन वाला जो ईवो एक्समेट का जो स्किन है वो अपन को मिल चुका है, ठीक है। तो अभी खुशी की बात नहीं है भाई, ठीक है। इसको अपग्रेड करने में जो डायमंड्स लगते हैं ना भाई, इसमें मतलब क्या ही बोलूं भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमंड्स लगते हैं इसको अपग्रेड करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैं लूट बॉक्स तो आप लोग देख ही ले होंगे भाई, सबसे अब ज़्यादा आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर स्टोर पर हम लोग का पता होगा कि लाइटनिंग वाला जो वो है इसका तो शायद तक क्रिएट्स आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्रिएट्स यहाँ पास अपन का आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या होगा, आप लोग रिडीम वाले सेक्शन में जाना और आप लोग को एक एफएफ टोकन से ना जो एक टोकन आता है वो आप लोग रिडीम कर लेना, ये वाला, ठीक है। 700 डायमंड बैक वाला, 2000 डायमंड का कुछ परचेस करोगे तो 700 डायमंड आप लोग को बैक मिल जाएगा, तो ये आप लोग को परचेस करना है। उसके बाद में आप लोग, मैंने परचेस पहले से कर लिया है दो, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग मैं परचेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 2000 डायमंड कर लेता हूँ, फिर 2000 डायमंड करेंगे भाई, 2000 डायमंड का होगा, फिर 700 डायमंड हम लोग का यहाँ पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 700 डायमंड माइनस हो गया और 1300 डायमंड में मेरे को 50 क्रिएट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना 4 लेवल आराम से हो जाएगा, तो यहाँ पास मैं आप लोग को करके दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पास मैंने 50 क्रिएट जो है परचेस कर लिया और इसको फटाक से यहीं से ओपन कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पास ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है भाई, फिर भी चलो ओपन करते हैं, कहीं में तो 10 मिल गया, ठीक है। तो 50 क्रिएट अपन ने एक साथ ओपन किया है, यहाँ पास देखते हैं, ठीक है, कितना लेवल तक ये पहुँच जाता है। देखो आई थिंक मेरे ख्याल से तो भाई ये 4 लेवल तो हो ही जाना चाहिए भाई, ठीक है, मतलब इसका जो वो है 4 लेवल तो हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो, ये रहा हम लोग का ईवो एक्समेट का गन, और इसको अपन करेंगे अपग्रेड, ठीक है। तो सेकंड लेवल पे क्या है भाई, इसका स्पेशल किल फीड आ जाएगा, आप लोग जैसे कि देख सकते हो, और इसका जो एबिलिटी है वो भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। डबल रिलोड स्पीड माइनस होता है, वो सिंगल रिलोड स्पीड माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेवल पर है उस पर क्या होने वाला है भाई, न्यू लुक मिल रहा है थर्ड लेवल पर, कुछ उतना खास तो है नहीं, तो ये भी अपग्रेड कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पास जो हम लोग का ईवो एक्समेट वो थर्ड लेवल का भी हो चुका है, और ये जो लेवल है 120 लगेगा, तो 120 टोकन अपने पास अवेलेबल है। ये हो चुका है 4th लेवल का, और इसमें खास बात क्या है, हम लोग को तो एक तो हीट इफेक्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो इसका एट्रीब्यूट्स है, मतलब इसका जो एबिलिटी है, डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर और माइनस जो है रिलोड स्पीड, ठीक है। तो डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर के साथ भाई ये वाला जो गन है खतरनाक चलेगा, क्योंकि फ्री फायर ने अपडेट के बाद जो इसका रेट ऑफ फायर है ईवो एक्समेट नहीं बोल रहा हूँ, एक्समेट का नॉर्मल एक्समेट का 10% बढ़ा दिया था, और इस वाले एक्समेट में भाई डबल डैमेज के साथ साथ यार सिंगल रेट ऑफ फायर भी है, तो भाई ये वाला जो ईवो एक्समेट है ना तबाही है भाई, ठीक है। और ये वाला ईवो एक्समेट अब अगर आप लोग के पास होगा लेवली बीस्ट वाला, तो ये वाला ईवो एक्समेट तो नहीं है, नॉर्मल सा एक्समेट है जो फ्री में मिला था बहुत पहले, तो ये वाला एक्समेट भी खतरनाक है, डबल रेट ऑफ फायर है। पर भाई सबसे बढ़िया तो ये है, मतलब ईवो एक्समेट की बात ही अलग होती है भाई, मतलब ईवो जो गन होता है उसका बात ही अलग ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग का ये हो चुका है 4th लेवल का, मतलब 4 लेवल का, और बहुत ही ज़्यादा औसम है, दिखने में सही है भाई। इसके बारे में और थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को, अगर इसको आप लोग को मैक्स करना है अगर इसी तरीके से, तो आप लोग का 6000 डायमंड के आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो 6000 डायमंड के आसपास आप लोग को लगेगा, ये रहेगा फायरिंग इफेक्ट और ये रहेगा इसका किल इफेक्ट, आप लोग ने देख लिया होगा, ठीक है।
मतलब पार्टनर प्रोग्राम वाले को तो फ्री में मिल जाता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग को, ठीक है, पर अपन को तो इधर डायमंड लगा के करना पड़ता है। तो अगर आप लोग को कोई अच्छा सा गन चाहिए, ठीक है, वो एक्समेट की तरह, मतलब एक्समेट सही है भाई, पर अगर आप लोग डबल रेट ऑफ फायर होगा तो अगर नहीं निकालना होगा तो मत निकालना। अगर डबल रेट ऑफ फायर वाला वो एक्समेट होगा तो मत निकालना। और ये वाला जो एक्समेट है आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भाई साहब ये देख सकते हो इसका बैकपैक भी यही सेम है और लूट बॉक्स जो मिला है सेम इसी की थीम पे बेस्ड है और सरबोर्ड भी जो टॉपअप में आया ये भी इसी पे बेस्ड है। तो ये वाला वो एक्समेट ना भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा औसम है और आप लोग का इसमें 1000 डायमंड के आसपास लगेगा, उससे ज़्यादा डायमंड नहीं लगने वाला। तो आप लोग बताना काउंट करके कितना ज़्यादा डायमंड मेरा लगा और बताना है जो ट्रिक बताया वो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।